Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. Children, let's start a new day with new missions. But before starting anything new, we must pray to God. We must seek the blessings of God. Let's pray to Almighty. Children, today we are going to read lesson number 11 of our reader book, that is A Life Without Limits. Children, this is a story, very inspiring story about a lady who has beaten every hurdle in her way to achieve her goal, to achieve her dream. बेटा ये स्टोरी है एक ऐसी इंस्पायरिंग लेडी की स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है जिसने कि अपना गोल अचीव करने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए, सच करने के लिए सपने को, उसने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का सामना किया. लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, बट दैट शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम हैविंग बिग ड्रीम्स एंड अचीविंग अवर गोल्स. जो हमारी लाइफ है वो बहुत इजी नहीं है बेटा, मुश्किल है, लेकिन वो हमें ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो हमें हर काम के लिए, हर अपने सपने को पूरा करने के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें रोक सके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. हम अपने सपनों को, अपनी अचीव गोल्स को अचीव कर सकें, इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए. दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. जब आप ये स्टोरी पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है. रिटन बाय मनी मेहरा. ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज मनी मेहरा. बिफोर रीडिंग द चैप्टर, लेट्स गो थ्रू द न्यू वर्ड्स. वर्ड मीनिंग्स. नंबर 1, एस्टोनिश्ड. ए एस टी ओ एन आई एस एच ई डी. एस्टोनिश्ड. Surprise, हैरान करना. Number 2, entrepreneur. E N T R E P R E N E U R. Entrepreneur. Entrepreneur means a person who sets up any business. अगर किसी का कोई business होता है, कोई अपना business बनाता है, कोई भी कारोबार जो करता है, उसको बोलते हैं entrepreneur. Number 3, restaurateur. R-E-S-T-A-U-R-A-D-E-U-R. Restaurateur means owner of a restaurant. किसी भी restaurant का जो मालिक होता है उसको बोलते हैं restaurateur. Number 4, accessible. A-C-C-E-S-S-I-B-L-E. Accessible. Accessible means able to be reached. पहुंचने के काबिल. कहीं भी पहुंचने के काबिल.
यहाँ पे उनको सबको उसमें मिलाना, उनको सबको इंक्लूड करना, सबको मिलाना मीन्स चाहे वो अमीर है गरीब है हर किसी को हर वर्ग को हर सेक्शन को उसमें मिलाना को बोलते हैं इंक्लूसिव। व्हाइल रीडिंग द चैप्टर वी विल अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स। Before underlining the adjectives, we must know what are adjectives. Children, adjectives are the words that describe a noun. कोई भी noun के बारे में हमें कुछ भी information मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो word वो information देता है उसको बोलते हैं adjective. Now let's start reading the chapter. She is the daughter of an army officer. The wife of an army veteran and a mother of two, and her list of achievements will astonish you. यहाँ पे राइटर जो ऑथर है वो क्या कह रहा है कि वो एक आर्मी ऑफिसर की डॉटर है, बेटी है, और आर्मी वेटरन की वो वाइफ है, और दो बच्चों की मदर है, और उसकी लिस्ट जो है अचीवमेंट्स की वो आपको हैरान कर देगी। एस्टॉनिश मींस हैरान करना। शी इज एन एंटरप्रेन्योर, अ सोशल एक्टिविस्ट, अ रेस्टोरेंटर, अ ब्यूटी क्वीन। वो एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, बिजनेस करता है जो, तो वो बिजनेस वूमेन है और सोशल एक्टिविस्ट है। सोशल एक्टिविस्ट क्या होते हैं, जो सोसाइटी में समाज में जो अच्छे काम करते हैं। और रेस्टोरेंटर है, रेस्टोरेंटर भी अभी मैंने आपको बताया, रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है, ओनर होता है, उसको रेस्टोरेंटर बोलते हैं। एंड अ ब्यूटी क्वीन, और वो सुंदर भी बहुत है। हेयर सोशल एंड ब्यूटी बोथ आर एडजेक्टिव्स। शी इज एन अकॉम्प्लिश्ड स्विमर, a rally driver, a biker, an athlete, and an adventurer. वो swimmer भी है, ठीक है, और rally driver भी है। rally driver क्या होते हैं, जो rally में rally होती है ना, जो race type होता है, rally होती है, उसमें जो drive करते हैं वो भी है, और biker भी है, bike चलाती है, athlete भी है, और क्या है, एडवेंचरर भी है, नए नए एडवेंचर्स करती रहती है। शी इज अर्जुन अवॉर्डी एंड एन ओलंपियन, एंड शी अचीव्ड ऑल दिस फ्रॉम अ व्हीलचेयर। वो अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है उनको, और ओलंपियन भी, ओलंपिक्स में भी खेला हुआ है। और वो क्या है, उन्होंने ये सब कुछ कैसे अचीव किया, कैसे हासिल किया, व्हीलचेयर पे बैठकर। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सुपर हीरो, बट क्लोज इनफ। दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ स्टोरी ऑफ दीपा मलिक। यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि हम यहाँ पर किसी सुपर हीरो की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बहुत करीब हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टोरी है, बिल्कुल अलग सी हट के लाइफ स्टोरी है। किसकी लाइफ स्टोरी है, दीपा मलिक की। दीपा मलिक वॉज डायग्नोस्ड विद स्पाइनल ट्यूमर इन 1999 एट द एज ऑफ 29, एंड द डॉक्टर्स गेव हर टू चॉइसेस, डेथ और टू लिव द रेस्ट ऑफ द लाइफ पैरालाइज्ड फ्रॉम वेस्ट डाउन। दीपा मलिक को 1999 में पता चला कि उनको स्पाइनल ट्यूमर है। उस समय उनकी एज 29 ईयर्स थी, और डॉक्टर्स ने उनको दो चॉइसेस दी थी, या तो डेथ, या फिर अपना सारा बाकी का जो जीवन है, जितनी भी लाइफ है, वो उस पूरी की पूरी लाइफ जो है, लोअर पार्ट जो उनकी बॉडी का था, वेस्ट से डाउन, जो वेस्ट होती है ना कमर, उससे नीचे का जो पार्ट था वो पैरालाइज्ड रहेगा। तो पैरालाइज्ड क्या होता है बेटा, डेड हो जाता है,
बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो पार्ट जो है फंक्शन करना कम काम करना बंद कर देता है. एट दैट टाइम व्हेन हर हस्बैंड वाज फाइटिंग फॉर इंडिया एट द कारगिल वॉर, दीपा वाज फाइटिंग फॉर हर लाइफ. उस समय 1999 में बेटा कारगिल वॉर हुई थी, आपको पता है ना कारगिल वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ. तो उसके हस्बैंड जो थे आर्मी में थे, तो उसके हस्बैंड उस समय कारगिल वॉर में फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे दुश्मनों के साथ. और उस समय जो दीपा थी, दीपा मलिक, वो अपनी जिंदगी के साथ फाइट कर रही थी, लाइफ के साथ फाइट कर रही थी. आफ्टर 3 स्पाइनल सर्जरीज ओवर अ पीरियड ऑफ 14 ईयर्स हर बॉडी वॉज फ्री ऑफ ट्यूमर बट शी वॉज लेफ्ट परमानेंटली पैरालाइज्ड एंड कन्फाइंड टू लाइफ इन अ व्हीलचेयर फॉर लाइफ. अब उनकी 14 ईयर्स में 3 सर्जरीज भी हो चुकी थी दीपा मेहता की, और इन सर्जरी से उनका ट्यूमर तो रिमूव हो गया था, ठीक हो गया था, लेकिन उनकी जो लोअर बॉडी थी, जो वेस्ट से नीचे की बॉडी थी, वो परमानेंटली पैरालाइज हो चुकी थी. पैरालाइज मीन्स कि डेड हो जाना, बिल्कुल भी काम नहीं करती थी वो. और उनको पूरी की पूरी लाइफ अपनी व्हीलचेयर पे ही बिताने के लिए डॉक्टर ने कहा. एनी ऑर्डिनरी पर्सन वुड हैव बीन ओवरकम विद ग्रीफ बट दीपा इज नो ऑर्डिनरी पर्सन. कोई भी आम इंसान होता तो इस बात से इतना टूट जाता और वो बहुत ही उदास हो जाता, परेशान हो जाता. लेकिन दीपा जो है वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो आम आदमी नहीं है, आम इंसान नहीं है वो. हेयर ऑर्डिनरी इज एडजेक्टिव. आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम हर सर्जरीज एट द एज ऑफ 36 दीपा मलिक वेंट ऑन टू परस्यू हर ड्रीम टू बिकम अ बाइकर. जब उनकी सर्जरी से वो ठीक हो गई, सर्जरीज के बाद वो ठीक हो गई रिकवरी के बाद, तब उनकी एज 36 थी. तो दीपा मलिक ने क्या किया, अपने सपने को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ी. और क्या बनना था उनको, बाइकर बनना था, बाइकर बनना उनका सपना था, इसलिए वो अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी. शी नीडिड टू स्ट्रेंथन हर आर्म्स सो दैट शी कुड कंट्रोल हर बाइक. उन्होंने बाइक को कंट्रोल करने के लिए, उनको अपनी बाजुओं में ताकत भी चाहिए थी, स्ट्रेंथ चाहिए थी ना, ताकत चाहिए थी, मजबूती चाहिए थी. तो उन्होंने क्या किया, शी टुक अप स्विमिंग. अपनी बाजुओं में मजबूती लाने के लिए उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट की, विच इन इट्सेल्फ बिकेम वन ऑफ हर अचीवमेंट्स. वो भी उनकी एक उपलब्धि बन गई, अचीवमेंट बन गई. इन 2008 यूजिंग ओनली द स्ट्रेंथ ऑफ हर आर्म्स शी स्वैम अक्रॉस द यमुना रिवर फॉर अ स्ट्रेच ऑफ 1 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट. इन 2008 में उन्होंने अपनी जो आर्म्स को, बाजुओं को मजबूत करने के लिए, उनकी मजबूती के लिए उन्होंने जो स्विमिंग स्टार्ट की थी, इतनी मजबूत हो गई कि उन्होंने यमुना रिवर को एक साथ 1 किलोमीटर तक, जो पानी का बहाव था, पानी के बहाव के अगेंस्ट, उसके अपोजिट जो है वो उन्होंने तैर के दिखाया. In 2009, her dreams of becoming a biker finally came true when she rode a specially modified bike, and in 2011, she became the first paraplegic woman to drive to Khardunga Law Pass, the highest motorbike pass in the world. 2009 में उन्होंने अपने सपनों को सच किया और अपना बाइकर बनने का सपना सच किया. उनका सपना कब पूरा हुआ, जब उन्होंने अपनी मॉडिफाइड बाइक, जो बाइक होती है ना, जो नॉर्मल बाइक होती है उसको चेंज कर लेते हैं, उसके उसमें काफ़ी चेंजेस ला के ना मॉडिफाई करके, तो नई बन जाती, कुछ और बन जाती है. तो वो उन्होंने उसमें मॉडिफाइड बाइक ली, और 2011 में उन्होंने क्या किया,
पहली पैराप्लेजिक वुमेन बनी जो कि खरदुंगा लापास में बाइक लेके गई थी। खरदुंगा लापास क्या है? हाईएस्ट मोटर बाइक पास है। मोटर जो हैं, मोटर बाइक्स जो हैं वहाँ पे जाती हैं खरदुंगा लापास में, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, सबसे ज़्यादा हाइट पे है। हेयर मॉडिफाइड पैराप्लेजिक एंड हाईएस्ट ऑल आर एडजेक्टिव्स। बट देयर वॉज नॉट द एंड ऑफ इट। यहाँ पे अंत नहीं हुआ किसी भी चीज़ की, ख़त्म कोई भी चीज़ यहाँ नहीं हुई। क्या हुआ आगे? शी वेंट ऑन टू कम्प्लीट द लॉन्गेस्ट ड्राइव इन इंडिया, 3,278 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली इन 2013, एंड इवन रोड ऑन द रियलिटी टीवी शो रोडीज बाय पर्सनल इनविटेशन फ्रॉम रघु एंड द रोडीज क्रू। यहीं पे ही ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी सिलसिला चलता रहा। उन्होंने क्या किया, लॉन्गेस्ट ड्राइव इंडिया में, सबसे लॉन्गेस्ट ड्राइव उन्होंने कंप्लीट की, जो कि 3,278 किलोमीटर्स की थी, चेन्नई से लेकर दिल्ली तक 2013 में की। और उन्होंने रियलिटी शो जो है, रोडीज़ है जो रियलिटी शो, बेटा आपने भी कभी देखा होगा, उसमें भी उन्होंने बाइक जो है वो ड्राइव की है। और उनको पर्सनल इनविटेशन, जो रघु है उसका होस्ट जो है उस शो का, उससे उनको पर्सनल इनविटेशन भी आया था। और जो रोडीज़ के क्रू मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं रोडी के, जो टीम है, उन्होंने भी उनको इनवाइट किया था, उन्होंने भी उनको इनविटेशन दिया था। हर अमेजिंग अचीवमेंट्स एंड हर डिटर्मिनेशन टू फॉलो हर ड्रीम्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स अर्न्ड हर अर्जुना अवार्ड इन 2012 अलॉन्ग विद सेवरल अदर अवार्ड्स to recognize her remarkable journey as a human being। उनकी जो ये शानदार उपलब्धियाँ हैं, जो अचीवमेंट्स हैं हैरान कर देने वाली, उन्होंने उनके निश्चय को, दृढ़ निश्चय को, जो उन्होंने ठान लिया था उसको अपने, कि मैंने ये काम करना है, अपना ये सपना पूरा करना है, उसको पूरा करने में उनको अर्जुन अवार्ड भी दिलवाया, जो कि 2012 में मिला था उनको। और साथ के साथ उनको और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले उनकी रिमार्केबल जर्नी के लिए। उन्होंने इंसान होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत उन्होंने पैरालिसिस होने के बावजूद भी बहुत सारी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की। हेयर अमेजिंग एंड रिमार्केबल आर एडजेक्टिव्स। An average person would have been satisfied with these achievements alone, even with full use of their legs, but not Deepa Malik. She is an extraordinary person who knows that life has no limits. एक आम इंसान कोई होता तो वो क्या करता, जो उसको achievements मिली थी उन्हीं में ही वो खुश रहता। लेकिन जो दीपा मलिक हैं वो इसमें, इतनी सी achievements में सेटिस्फाई होकर नहीं बैठी, क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है। उनको पता है कि लिमिट कोई नहीं होती किसी भी चीज़ की, लाइफ में कोई लिमिट नहीं होती, हर चीज़ लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है। हेयर एवरेज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोथ आर एडजेक्टिव्स। नाउ इट्स टाइम फॉर वोकैबुलरी। नंबर वन इज प्रेस, PRESS। प्रेस मीन्स किसी चीज़ को दबाना। प्रेस द बटन टू टर्न ऑन द मशीन। नंबर टू प्रेशर, PRESSURE। प्रेशर, प्रेशर मीन्स किसी भी चीज़ का दबाव कि कितना है। द डॉक्टर चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। नंबर थ्री परमिशन, परमिशन मीन्स किसी भी चीज़ की आज्ञा, अनुमति। हम परमिशन लेते हैं ना कहीं भी, किसी आपने अपने फ्रेंड के साथ खेलने जाना है, मम्मा से परमिशन लेते हो ना, पूछना, आज्ञा लेना, अनुमति लेना। एंड द सेंटेंस इज द स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लासरूम विद द परमिशन ऑफ द टीचर। नेक्स्ट इज नंबर फोर प्राउड, PROUD। प्राउड, प्राउड मीन्स
गर्व महसूस होना किसी भी चीज़ पर. द पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ देयर चिल्ड्रन. नंबर 5 प्लेजेंट. PLEASANT. प्लेजेंट मीन्स सुहावना. जैसे मौसम होता है ना, वेदर होता है, बड़ा प्लेजेंट होता है ना, या फिर किसी भी चीज़ में बहुत आराम मिलना. इट वॉज अ प्लेजेंट वेदर येस्टरडे. या फिर नेक्स्ट सेंटेंस ये भी हो सकता है, इट वॉज प्लेजेंट टू सिट डाउन आफ्टर स्टैंडिंग फॉर आवर्स. बहुत घंटों के बाद, बहुत समय के बाद, खड़े रहने के बाद जब बैठे तो बहुत अच्छा लगा. Now it's time for homework. Learn and write the word meanings of the chapter in notebook. That's all for today. See you very soon in our next video. Till then, stay safe, stay happy.